हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2025 का साइंस का सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि जो अब आपका साइंस का पेपर होने वाला है 2025 में, उस पेपर में आपके कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि आपका सैंपल पेपर आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पेपर का पैटर्न होता है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। और ये जो आपका साइंस का सैंपल पेपर है 2025 का, आप इसके क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपको इस सैंपल पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, मैं इस सैंपल पेपर के सोल्यूशन के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो सैंपल पेपर को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके के और भी सैंपल पेपर पर वीडियो अपलोड करूं या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सैंपल पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। ये हमारा सैंपल पेपर है 2025 का, क्लास 10th वालों का, और वो भी विज्ञान का। और इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है साइंस का, उसमें ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं। तो ज्यादातर आप उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके जाना, क्योंकि वही क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते रहते हैं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और ये जो आपका साइंस का सैंपल पेपर है 2025 का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम आपका वही पैटर्न है जो आपका पिछले साल था, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके पैटर्न में, पूरा का पूरा पैटर्न पुराना वाला ही है। ठीक है, आपके इसमें 30 क्वेश्चन आते थे, 30 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपका 80 नंबर का पेपर होता था, 80 नंबर का ही है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के आते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 होता है उसमें हमारे 8 खंड होते हैं, जिसमें हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमारे 8 क्वेश्चन होते हैं और वो भी एक एक नंबर वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो कि होते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय वाले। उसके बाद में 10 से लेकर 15 तक हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक ये हमारे 3 नंबर के होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक ये हमारे 4 नंबर के होते हैं। क्वेश्चंस के नंबर में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, और ये सब जो मैंने बताया वो यहां पर भी लिखा है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। इसका आप 3rd पॉइंट पढ़ लेना और 4th पॉइंट पढ़ लेना, इसमें यही दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, और इसी पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि इसमें 8 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन हो गया वो हमारा 8 नंबर का है। मैं आपको यहाँ पर गिनवा भी देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और 3 क्वेश्चन इसमें आगे दे रखे हैं। यह हमारा इसका 6th क्वेश्चन, यह 7वां और ये 8वां, और ये सारे ही हमारे एक एक नंबर के होने वाले हैं। और इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहना। अब क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक ये भी हमारे एक एक नंबर वाले होने वाले हैं, और ये हमारे निश्चित वाले होते हैं, यानी कि जो इनके आंसर होंगे वो 1 या 2 लाइन तक ही होते हैं, और ये भी हमारे सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर के ही होते हैं। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो हमारा पेपर होता है इसमें ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आते रहते हैं। तो इसमें जो हमारा ये 6th क्वेश्चन है, यह नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन ज्यादातर हर साल रिपीट होता ही रहता है, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे, यह 7वां, 8वां, 9वां, ये हमारे सारे एक एक नंबर के हैं और आपको यहां पर दिख भी रहा होगा।
और इसमें जो हमारा पोषी स्तर वाला दे रखा है और विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएं। अब हमारे 10 से लेकर 15 तक दो अंकों वाले हैं तो उनको भी देख लेते हैं। अब यह 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और बाकी दो क्वेश्चन में भी आपको आगे दिखा देता हूं। अब इसमें जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, ये हमारे दो दो नंबर वाले हैं और ये ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाला हर साल एक क्वेश्चन आता रहता है, कभी एक नंबर में और अब ये दो नंबर में आया हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने वाला हर साल ही आता रहता है, आप कोई से भी साल के पेपर को उठा करके देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 14वें और 15वें क्वेश्चन को। यह इसका 14वां क्वेश्चन और यह इसका 15वां क्वेश्चन और ये दोनों ही क्वेश्चन हर साल आते ही रहते हैं। और ये जो तंत्रिका कोशिका वाला है ये तो हर साल आता ही रहता है और ये भी दो दो नंबर में आए हुए हैं, तो आप इनके चित्र को ढंग से तैयार करके जाएं, आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन है 16 से लेकर 23 तक, ये हमारे तीन नंबर के होने वाले हैं, अब उनको देख लेते हैं। अब ये हमारा 16वां क्वेश्चन है और इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक हमारा एक नंबर का है और एक हमारा दो नंबर का है। तो जो इसका दूसरा वाला पार्ट है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका 2024 के एग्जाम में भी आ चुका है और फिर से सैंपल पेपर में दे रखा है, तो आप ये सोचें कि आपका ये 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है। यानी कि आप जो हमारा साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का, उसको तो आप जरूर तैयार रखे जाएं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे। और 16वें क्वेश्चन के 8वां में एक क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण संतुलित कीजिए, यह भी हमारा तीन नंबर का है, एक नंबर की हमारी एक इक्वेशन है। अगर आपको संतुलित करना आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को करके आए, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आप उसमें थ्योरी लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको टाइम लगेगा, इसमें खाली आपको संतुलित ही करना है, तो इसमें आपका ज्यादा टाइम बच जाएगा। और यह इसका 17वां क्वेश्चन, इसमें भी हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला एक नंबर का है, दूसरा दो नंबर का। तो इसमें जो हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, भर्जन तथा निस्थापन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और ये इसका 18वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा तीन नंबर का है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो तीन साल से रिपीट नहीं हुआ है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वचित्र बनाइए, ये इस साल आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये आपका इस साल आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हमें अथवा में दे रखा है, अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन ना आए तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र को बनाना है और इसमें भाग दे रखे हैं उनको चित्र बनाकर वहां पर दर्शाना है। तीन नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट हमारा एक नंबर का है। ऐसी हमें यह 19वां क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा दो पार्ट्स में, पहला और दूसरा, पहला हमारा एक नंबर का है, दूसरा हमारा दो नंबर का है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है पादप हार्मोन्स, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इस साल आ सकता है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें। और ये हमारा इसका 20वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला एक नंबर का है और दूसरा दो नंबर का। और ये ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सैंपल पेपर में, ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि हर साल आते रहते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसमें जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ये ज्यादातर आता रहता है, हर साल ही एक आध साल छोड़कर ये रिपीट होता रहता है। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं आगे। और ये हमारा 21वां क्वेश्चन है और ये भी हमारा तीन नंबर का है और इस तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो हमसे चार नंबर में पूछ ले या फिर तीन नंबर में पूछ ले, ये हमसे उसने तीन नंबर में पूछ रखा है। पिछले साल जो हमारा 2024 में आया था उसमें शायद ये चार नंबर का पूछ रखा था, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाएं। यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं उनको आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि जब आप उनको करेंगे तो वहां पर आपका टाइम भी बचेगा और उसकी अपेक्षा अगर आप कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन करके आएंगे, अगर आप उसको पूरा भी कर देंगे तब भी उसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि न्यूमेरिकल में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यह हमारा इसका 22वां क्वेश्चन है और ये हमारा 23वां क्वेश्चन है और ये हमारे तीन नंबर में लास्ट क्वेश्चन है और इसके अथवा में भी दे रखा है और ये ओजोन वाला भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम 24 से लेकर 30 तक जो कि हमारे होने वाले हैं चार नंबर वाले।
तो यह हमारा 24वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, पहला हमारा दो नंबर का है, दूसरा भी हमारा दो नंबर का है। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्री बोर्ड के लिए भी जरूर तैयार करके जा सकते हैं, बोर्ड में तो ये आएगा ही। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है उदासनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए, दो नंबर का ये भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है। जो स्टूडेंट मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो देख करके आए होंगे उनको पता होगा। ऐसे इसके अथवा में मैं चार पॉइंट दे रखे हैं और चारों ये हमारे एक एक नंबर के हैं, और ये चारों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, सारे के सारे इंपोर्टेंट ही हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे पढ़ के जाएं। ये हमारा इसका 25वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें दो खंड दे रखे हैं, दोनों ही हमारे दो दो नंबर के हैं। इसमें जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है ये हमारा ज्यादातर आता रहता है, और ऐसे ही 26वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे दो क्वेश्चन है और दोनों ही हमारे दो दो नंबर के दे रखे हैं। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है मेंडल वाला, ये ज्यादातर रिपीट होता रहता है, ये बायो का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। यह हमारा इसका 27वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमारे दो दो नंबर के हैं, और अब यहाँ से हमारे बायो वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके अथवा में भी हमें बायो के क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो आप इन चारों क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। और 27वें के अथवा में हमें तीन क्वेश्चन दे रखे थे। ऐसे ही हमारे पास है 28वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही हमारे दो दो नंबर के हैं, और दोनों ही ज्यादातर आते रहते हैं, और ये शायद द्विखंडन और बहुखंडन वाला, ये पिछले साल भी हमारा आ चुका है 2024 में। और ये हमारा इसका 29वां क्वेश्चन है, ये हमारे एक ही न्यूमेरिकल है, ये हमारा चार नंबर का आया हुआ है, और इसके अथवा में हमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि हमारा एक दो नंबर का है, बाकी दोनों एक एक नंबर के हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको न्यूमेरिकल आता हुआ तो टाइम भी बचेगा और नंबर भी उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे, और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। और वही थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा तो आप पूरा भी करेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो चाहे तो आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं। अगर आप अथवा वाला भी करके आ जाएंगे तो आपका फिर भी टाइम बच ही जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो यह हमारा इसका 30वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें दो क्वेश्चन ही दे रखे हैं और दोनों ही हमारे दो दो नंबर के हैं, और इसमें जो आपका सेकंड वाला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर साल ये आता ही रहता है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को तो तैयार करके जाएं, इसके अलावा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप जरूर तैयार कर लें। तो ये आपका उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का साइंस का सैंपल पेपर है 2025 का, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए, और जो इसकी सोल्यूशन वीडियो होगी वो जल्दी आ जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें बताएं कि आपके सैंपल पेपर आ चुके हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल गए होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें भी बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, उस पेपर के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। वैसे तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर पहले से चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और ये जो आपका 2025 का सैंपल पेपर है, इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी मैं जल्दी लेकर के आ जाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है जब भी हम किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।